स्टॉल इज ये भारत फोर्स का स्टॉल है, तो मैं ये ऑक्सीजन कंट्रोलर का रिप्रेजेंट करता हूँ। ये ऑक्सीजन कंट्रोलर है जो भारत फोर्स ने 2 महीने में पेंडेमिक में डेवलप कर किया था, जो इंडिया का फर्स्ट ऑक्सीजन सिलेंडर है एल्यूमिनियम का। और उसके साथ ये ऑक्सीजन कंट्रोलर है, जो पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वो ये सेंसर है जो पेशेंट में लगा होता है, वो ऑक्सीजन सैचुरेशन डिटेक्ट करता है। जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है तो ये डिटेक्ट करता है और ये ऑक्सीजन लेवल ऑक्सीजन सप्लाई ऑन करता है। जब फिर से ऑक्सीजन लेवल मोर देन 94 हो जाती है तो ये ऑटोमेटिक कट ऑफ होता है, ऑक्सीजन सेव करता है। फिर से अगर कुछ टाइम के बाद फिर ऑक्सीजन कम होता है तो फिर से ये ऑन करता है। तो इसका मेन फंक्शन है, इसमें ये 10 लीटर्स ऑफ वाटर ऑक्सीजन स्टोर करता है, मींस 1500 लीटर ऑक्सीजन इसमें होता है। और जो ह्यूमन के लिए इसमें 1 लीटर पर मिनट एज पर ये चार्ट है, इसमें अगर ऑक्सीजन लेवल 93 से 99 हो गई तो वो ज़ीरो ऑक्सीजन सप्लाई करता है। अगर ये 86 टू 92 ऑक्सीजन सप्लाई हो जाती है तो वो 1 लीटर पर मिनट का सप्लाई करता है, ऐसा उसमें चार्ट है। और लेस देन 70% ऑक्सीजन सैचुरेशन आता है तो ये मोर देन 10 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन सप्लाई करता है। एंड ये क्या है? ये दूसरा यूनिट है, ये है आइस एक्स, जो माउंटेनियरिंग में सियाचिन में हमारे आर्मी भाई जो काम करते हैं उनको ऊपर चढ़ना पड़ता है, तो ये आइस एक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें पहली बात है कि उनको ऊपर की चढ़ाई करनी पड़ती है तो इसका वेट बहुत लाइट होना चाहिए, तो ये बहुत लाइट वेट है, इजीली कैरी कर सकते हैं। और इसमें एक बार आपने इंसर्ट कर दिया तो इसमें 300 से 400 kg वेट ये बियर करता है, मीन्स 4-5 लोग इसके ऊपर हैंग हो सकते हैं, इतना इसका बड़ा कैपेसिटी है। इसके साथ एक शॉवेल अटैचमेंट आता है, ये रास्ते में बर्फ जो आती है वो उसको हटा सकते हैं। ये इसका स्पाइक का पार्ट है जिसमें आप बर्फ में एक एरिया क्रिएट कर सकते हैं जहां आप पाव रख सकते हैं। उसके साथ ये क्रैम्पॉन आते हैं, ये शूज़ में लगते हैं जो आइस में चढ़ाई करते वक्त बहुत इफ़ेक्टिव यूज़ होता है इसका। तो ये उसके साथ एक वेंटिलेटर है, ये वेंटिलेटर हमने नासा के साथ जो जेट प्रोपल्शन लैब कैलिफोर्निया उनके साथ मिलके ये वेंटिलेटर बनाया है। नॉर्मली वेंटिलेटर जो आता है स्मार्ट वेंटिलेटर उसका प्राइस मोर देन 10 लाख रुपीज़ होता है, लेकिन ये 2,50,000 में पूरा डेवलप हुआ है। ये बहुत स्टडी वेंटिलेटर है, मैकेनिकल वेंटिलेटर है, और इसको हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं, एम्बुलेंस में, रूरल एरिया में तो बहुत काम आ सकता है ये वेंटिलेटर। और इसमें बहुत सारे पैरामीटर, 5 पैरामीटर होते हैं, टाइडल वैल्यूम होता है, पीप होता है, ये आई टाइम मीन्स इंस्पिरेशन टाइम होता है, और ये नंबर ऑफ ब्रीथ्स, एक मिनट में हम कितने ब्रीथ्स लेते हैं, और ये टोटल पी इंस्पिरेशन प्रेशर, इंस्पिरेशन प्रेशर होता है। ये 5 हम मेन जरूरी पैरामीटर्स है जो कंट्रोल करके हम ह्यूमन को वेंटिलेट कर सकते हैं और उसके जान हम बचा सकते हैं। ये हमने पेंडेमिक में बहुत सारे हॉस्पिटल में सप्लाई किए हैं और इफ़ेक्टिवली अभी ये यूज़ हो रहे हैं। थैंक यू।